अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। सबक नंबर 15, हसन गंगू। बहुत दिनों पहले की बात है, दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह तगलक के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर इसकी गुजर बसर होती थी। एक रोज हसन खेत में हल चला रहा था, उसका हल किसी चीज में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया। इसने जमीन खोद कर देखा तो वहाँ एक गड़ा था। वो गड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, मगर इसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है, गंगू ही उसका हकदार है। वो अशरफियों का गढ़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। देखो बच्चों, बहुत दिन पहले की बात है, दिल्ली में एक गंगू नाम का ब्राह्मण रहता था। गंगू एक हिंदू, गंगू नाम का ब्राह्मण, जैसे हिंदू मज़हब होता है, मुस्लिम मज़हब होता है, क्रिश्चियन, वैसे ही ब्राह्मण का गंगू नाम का एक आदमी रहता था। वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह तगलक के दरबार में आया जाया करता था। गंगू क्या करता था, वो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह तगलक के दरबार यानी महल, बहुत बड़ा जो महल होता है उसको दरबार घर, जो घर पहले ज़माने में बादशाहों का क्या हुआ करता था, महल, तो वहाँ पर दरबार, उनका एक कमरा रहता था उसको दरबार बोला जाता है। तो मोहम्मद शाह तगलक के दरबार में आया जाया करता था। बादशाह और उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। जो बादशाह था और उसके बादशाह के दरबारी यानी जो नौकर लोग रहते, वो लोग गंगू की क्या करते थे, बड़ी इज्जत करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती और ईमानदार भी था। ये जो हसन है वो गंगू का क्या था, नौकर था, तो मेहनत भी ज़्यादा करता था, काम भी ज़्यादा करता था, ईमानदार भी था। दिन भर वो गंगू के खेत में काम करता था। दिन भर वो बच्चों गंगू का एक खेत था उसमें काम करता था। उसको जो कुछ तनख्वाह मिलती उसी पर इसका गुजर बसर होता था। जो गंगू के खेत में काम करता था तो उसको जो भी पैसे मिलते थे उससे उसकी ज़िंदगी चल रही थी, उसमें उसका सब खाना पीना रहना सहना हो जाता था। एक रोज़ हसन खेत में हल चला रहा था। ये जो नौकर है हसन, वो एक दिन खेत में हल चला रहा था। हल का मतलब होता है जो बैलगाड़ी के पीछे जो लगा हुआ रहता है, आपने देखे होंगे तस्वीर बच्चों कभी, या फिर खेत में हल देखे होंगे तो वो अनाज उगाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो हल चला रहा था, उसका हल किसी चीज़ में फंस गया, तो वो हल है ना ज़मीन में फंस गया। हसन काम करने से रुक गया, तो हसन का काम रुक गया, तो उसने ज़मीन खोद कर देखा तो वहाँ पर एक क्या था, घड़ा था। वो घड़ा अशरफियों से भरा हुआ था। जो घड़ा था वो अशरफियों से क्या हुआ था, अशरफी यानी पैसों से भरा हुआ था। पहले ज़माने में पैसों को अशरफी बोलते हैं, जिसमें सोने के कॉइन्स या फिर चांदी के कॉइन्स जो भी है उसको क्या बोलेंगे, अशरफी बोलेंगे। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई। देखो, वो जब उसको अशरफियों का घड़ा मिला तो वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने क्या करा, अगर हम उसकी जगह होते तो हमारे दिल में भी खुशी पैदा होती थी, लेकिन हम
वो घड़ा ले लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बेहद खुश हुआ, इसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। इसी को बोलते हैं बच्चों ईमानदार, के ईमानदार इसी को बोलते हैं कि ये तो गंगू का खेत है, गंगू के खेत में उसको घड़ा मिला है, तो गंगू ही उसका हकदार है। हक ये अशरफियों पे किसका है? गंगू का है। तो हसन को ये बात याद आती है, ख्याल आता है उसको, तो वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया, तो उन्हें हसन है ना गंगू के पास गया और सब बताया बात के, सब सारा हाल सुनाया। वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ, वो ईमानदारी दयानतदारी देखकर गंगू क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। एक मर्तबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। जब ये जो ये बादशाह था, जहाँ पर गंगू क्या करता था, आना जाना करता था ना दरबार में बादशाह के, तो बादशाह मोहम्मद शाह तगलक के दरबार में आना जाना जो करता था, तो एक बार वो बादशाह को गंगू ने ये सब दयानतदारी के बारे में, हसन की दयानतदारी उसकी ईमानदारी के बारे में बादशाह को बताया, तो बादशाह पर इसका बड़ा असर हुआ। बादशाह जो था ये, उस पर उसका बड़ा असर हुआ। उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। दक्कन में उसने लोगों के फ़ायदे के बहुत से काम किए। रियाया उससे बहुत खुश थी। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपने मालिक को ना भूला। उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया और हसन गंगू कहलाया। इतना ज़माना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। देखो बच्चों, यहाँ पर जब उस गंगू ने बादशाह को हसन की दयानतदारी और ईमानदारी बताई, तो बादशाह पर इसका बड़ा असर हुआ। तो बादशाह ने क्या किया, हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया, मतलब दरबार में क्या किया, नौकर के तौर पे रख लिया महल में। तो दरबार में भी वो बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। हसन जो है मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। ये जो बादशाह मोहम्मद शाह तगलक, इन्होंने क्या किए, थोड़े दिन के बाद हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया, मतलब पूरी बादशाह। दक्कन यानी वो वहाँ का एक एरिया है दक्कन, तो वहाँ का बादशाह बना दिया। दक्कन में उसने लोगों के फ़ायदे के बहुत से काम किए। रियाया उससे बहुत खुश थी। हसन जो है लोगों के बहुत सारे काम किए जो लोगों को फ़ायदेमंद रही। तो ईमानदारी के साथ अगर काम करेंगे तो लोग खुश होते। तो रियाया मतलब जो लोग थे वहाँ के, बहुत खुश हुए हसन से। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। बादशाह ने दक्कन का सूबेदार बनाने के बाद, कुछ अरसे के बाद हसन भी खुद दक्कन का बादशाह बन गया। वो वहाँ के एरिया का बादशाह बन गया। बादशाह बनने के बाद भी अपने मालिक को ना भूला। नौकर से जब बादशाह बना, उसकी ईमानदारी और दयानतदारी के बाद, तो भी वो क्या किया, उसने मालिक को नहीं भूला। उन्हें हसन जो है मालिक को नहीं भूला, उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया। उसने क्या किया, अपने मालिक का नाम जोड़ दिया अपने नाम के साथ, मालिक को नहीं भूलना बोल के। तो उसका नाम क्या हो गया, तब से हसन गंगू कहलाने लगा, हसन गंगू। इतना ज़माना गुजरने पर भी उसकी वफादारी और दयानतदारी लोगों को याद है। इतने ज़माने हो गए, अभी कब की ज़माने की बात है पता नहीं बच्चों, ये कितने बहुत दिनों पहले की बात है। बहुत ज़माना गुजर गया, लेकिन उसकी ईमानदारी वफादारी और दयानतदारी लोगों को आज भी याद है। इसलिए हमें आज ये सबक पढ़ने को मिला हसन और गंगू की कहानी के बारे में।
हमें इस सबक में यही बताया गया है कि एक जो नौकर है वो अपने मालिक का, अपने जो भी बादशाह का, कितना ईमानदार नौकर था, खुशी के साथ काम करता था, लगन के साथ काम करता था, खूब मेहनत करता था। लोगों को जब हम दिल से काम करते हैं, दिल से हम ईमानदारी के साथ काम करते हैं, तो लोगों को बहुत खुशी होती है और लोग भी हमें क्या करते हैं, दुआएं देते हैं, हमें बहुत मोहब्बत करते हैं। तो हमें भी बच्चों ईमानदार, दयानतदार, रहम दिल और क्या होना चाहिए, वफ़ादार होना चाहिए। वफ़ादार के साथ हम मेहनत से और खुशी से काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ। तो हमें इस सबक से यही सीख मिलती है कि हमें भी ईमानदार, दयानतदार और वफ़ादार होना चाहिए।